हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ा की दुनिया में। आज आपके साथ मैं न्यू मंगलसूत्र डिज़ाइन लेके आई हूँ। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुराने के लिए धागा, इस तरह के ब्लैक मोती, पीले मोती, पेंडेंट, इस तरह का स्क्रू और दो पुराने के लिए सुई। ये देखिए धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने फोर लेयर इस तरह से धागा लिया है और यहाँ पर कट लगाया है। यहाँ पर इस तरह से हमें बांधना है। ये देखिए इस तरह से धागे को इस तरह से हमें अलग कर लेना है। यहाँ पर दोनों धागे को इस तरह से सुइंग को बांध लेना है हमें। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना धागा ले। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ सुइंग को इस तरह से बांधा है। इस तरह से पीछे हमें इस तरह से ब्लैक मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से पीछे की ओर हमें इस तरह से ब्लैक मोती डालना है। इसी तरह ये बाजू भी डालना है हमें। देखिए इस तरह से दोनों मोती को हमें बराबर कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों सुई को मिलाकर इस तरह से बड़ा वाला ब्लैक मोती डाला है। फिर से धागे को इस तरह से अलग अलग कर लेना है हमें। यहाँ पर मैंने तीन पीले मोती लिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने तीन पीले मोती लिया है। इसी तरह से दूसरी बाजू में हमें तीन पीले मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दोनों बाजू हमें इस तरह से बड़ा वाला ब्लैक मोती डालना है। ये बाजू भी हमें ब्लैक मोती डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें एक पीला मोती लेना है। ये देखिए इस तरह से पीला मोती को इस तरह से पकड़ना है हमें और ये वाली सुई से इस तरह से पुरोते हुए इस तरह से दोनों सुई को इस तरह खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से फिर से इसी तरह से बनाते जाना है हमें। इस तरह से दोनों बाजू हमें तीन तीन पीले मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पर बड़ा वाला ब्लैक मोती डालना है। इस तरह से ये बाजू भी हमें ब्लैक मोती डालना है। इस तरह से फिर एक छोटा पीला मोती लेना है। इस तरह से मोती को इस तरह से पकड़कर ये वाली सुई से इस तरह से पुरो लेना है और दोनों सुई को इस तरह से पकड़कर दोनों बाजू इस तरह से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से ऐसा खींचना है। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। इसी तरह से बनाते जाना है। फिर से हमें दोनों बाजू तीन तीन पीले मोती डालना है। ये देखिए मैंने दोनों बाजू पीले मोती और ब्लैक मोती डाल लिया इस तरह से। फिर से एक पीला मोती लेना है हमें। मोती को इस तरह से पकड़कर ये वाली सुई से इस तरह से पुरोना है और इस तरह से दोनों सुई को पकड़कर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें आगे को इस तरह से पीले मोती डालना है। फिर से मैंने यहाँ पर तीन पीले मोती डाला है। ये देखिए इस तरह से फिर से ये बाजू भी हमें तीन पीले मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों बाजू इस तरह से तीन तीन पीले मोती डाला है। फिर से हमें दोनों बाजू इस तरह से बड़ा वाला ब्लैक मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से फिर से एक छोटा वाला पीला मोती लेना है हमें। फिर से इसी तरह से पुरोना है। इस तरह से मोती को पकड़कर हमें ये वाली सुई इसके अंदर डालते हुए आहिस्ता से पुरो लेना है ताकि धागे में हमारी सुई फंसे ना। इस तरह से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। इसी तरह से बनाना है हमें। फिर से मैंने तीन पीले मोती ले आए। ये देखिए इस तरह से फिर से इसी तरह से दूसरी बाजू तीन पीले मोती लेना है।
ये देखिए इसी तरह से बनाते जाना है हमें। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना मोतियों के लेयर बढ़ाते जाइए। ये देखिए इस तरह से मैंने फिर से दोनों बाजू इस तरह से तीन तीन पीले मोती डाला है। इस तरह से दोनों बाजू हमें ब्लैक मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से फिर से पीला मोती लेना है। फिर से इसी तरह से पुरोना है हमें। ए वाले स्विंग से पुरोते हुए ऊपर की ओर इस तरह से खींचना है। ये देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर से मैंने यहाँ पर इस तरह से मोती लिया है। फिर से इसी तरह से पुरोना है हमें। देखिए इस तरह से आगे की ओर हमें एक ब्लैक मोती डालना है। ये देखिए इस तरह से ए वाली सुई से पुरोते हुए इस तरह से आगे की ओर एक ब्लैक मोती डालना है। इस तरह से हमें पेंडेंट को दोनों से मिलाकर इस तरह से पुरो लेना है। इस तरह से बीच में से धागे को पकड़ते हुए पेंडेंट को घुमा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसी तरह से दूसरी बाजू भी बना लिया है। इसे भी हमें पेंडेंट के साथ फिक्स कर देना है। इसी तरह से पेंडेंट को फिक्स करना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमारा ये मंगलसूत्र तैयार है। पीछे इस तरह से हमें स्क्रू लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने सुई को इस तरह से धागे में पुरो लिया है और पीछे इस तरह से बांधना है हमें। इस तरह से हमें उस स्क्रू को पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्क्रू को पुरो लिया है और यहाँ अच्छे से हमें नॉट लगा देना है। इसी तरह से दूसरी बाजू भी हमें डालना है। इस तरह से हमें पीछे धागे को इस तरह से कट लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी बाजू भी हमें अच्छे से नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे आज की बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन तैयार है। आपको आज की ये मंगलसूत्र की डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।